क्लिप्स जैसा मैंने बताया कि बहुत टेस्टी होते हैं। अब जो व्यूपिंग होती है क्या होता है, वो welcome back with another video. This is Suhasis Malik and you are watching Asansol City of Brotherhood YouTube channel. So guys, ये video totally different होने वाला है क्योंकि इस video में मैं आप लोगों को कुछ अलग दिखाने वाला हूँ. So guys, मैं अपने साथ मेरे अंकल को लेकर आया हूँ. अंकल आप इधर आ जाओ, इनसे मिलिए. ये मेरे अंकल है. एक्चुअली आप मेरे अंकल को देख सकते हो, सर पे बाल नहीं है. तो मैंने सोचा कि अंकल को ये विग वगैरह जो होता है, हेयर पैचिंग, पता नहीं क्या क्या हेयर सोल्यूशन है, तो मैंने यहाँ पर करवाने के लिए मैं सोच रहा था कि बाहर कहीं लेके जाऊँगा, लाइक कोलकाता और दुर्गापुर. मुझे पता नहीं दुर्गापुर में ऐसा है कि नहीं, बट कोलकाता में जब मुझे गाइस पता चला कि आसनसोल में एक ऐसा है, एक आसनसोल में एक ही ऐसा है गाइस फ्यूजन हेयर सोल्यूशन के नाम पर, तो गाइस मैं अंकल को लेके आया. पहले तो मैंने इंक्वायरी की, फिर गाइस मैंने अंकल को इधर लेके आया. तो मैं आज अंकल को उधर लेके जाऊंगा और अंकल का जो है सॉल्व करूंगा और देखता हूं गाइस कि किस तरह से इसके इनके प्रॉब्लम को ये सॉल्व करता है. सो अभी गाइस मैं हूं सेंट्रम पे. तो ये एरिया गाइस आप देख के समझ में आ गया होगा कि अभी मैं सेंट्रम में हूं और अभी मैं सेंट्रम के थर्ड फ्लोर पर हूँ. तो मैं गाइस अभी आपको लेके जाऊँगा फ्यूजन हेयर सोल्यूशन जो कि सेंट्रम के थर्ड फ्लोर पर है, और अंकल को भी साथ में लेके जाते हैं और देखते हैं कि किस तरह से सोल्यूशन करते हैं और क्या क्या उनके सर्विसेज हैं. तो एक्चुअली ना हम लोग, मेरे जो अंकल हैं उनको कुछ अभी हेयर, उनका हेयर फॉल काफ़ी ज़्यादा हो गया, तभी बहुत गंजे हो गया, थोड़ा सा पीछे से बाल है, तो उसके लिए कुछ ट्रीटमेंट है? सर ट्रीटमेंट हम लोग नहीं करते हैं सर, कुछ ऑयल या मेडिसिन कुछ हम लोग प्रोवाइड नहीं करते. हम लोग क्या, हम लोग यहाँ पे हेयर पैच लगाते हैं. वो जो आपका हेयर पैच है उसमें आपका ओरिजिनल हेयर रहता है, जो नेचुरल जेन्युइन हेयर होते हैं वो रहते हैं. तो जो साइड के हेयर या पीछे बैक के हेयर है उसके साथ हम लोग वो पैच को कटिंग करके सेटिंग ऐसे करके देते हैं जिससे कि आपका लुक बिल्कुल नेचुरल आता है. वो मतलब किसी थर्ड पर्सन को ऐसा पता नहीं चलता है कि आपने पैच लगाया है ऐसा कुछ भी, तो वो हम लोग यहाँ पे सेट करते हैं सर. तो इसमें जैसे बाहर लिखा हुआ है हेयर वीविंग, हेयर क्या है, विग्स, एक्सटेंशन, तो कुछ अलग अलग सेगमेंट्स है क्या? वो सब नहीं, वो प्रोडक्ट सेम रहते हैं सर, वो सब प्रोसेस है. पैच को लगाने का एक प्रोसेस है, जैसे कि फर्स्ट आपका क्लिप सिस्टम आता है, क्लिप बॉन्डिंग जिसको बोलते हैं. दिखा सकते हो क्या वो क्लिप वाला सिस्टम? नहीं, वो तो जब पैच पसंद कर लेंगे ना तो क्लिप उस पर लगाया जाता है. अच्छा अच्छा. वो लगा हुआ नहीं आता है क्योंकि पैच सेम रहता है, पैच में ही क्लिप्स लगते हैं, पैच में ही ग्लू पेस्ट, वीविंग में वीविंग में सिया जाता है उसका. मतलब क्या होता है कि क्लिप का क्या है कि मतलब वो लोगों के थॉट के ऊपर डिपेंड है. जैसे कि जो चाहते हैं कि हर वक्त मैं ना पहनूं, कभी कभी पहनूं, पार्टी में पहनूं या फिर ऐसे नॉर्मल, तो वो लोग क्लिपिंग करवा लेते हैं. क्लिपिंग में क्या होता है कि जब आपको मन किया मतलब खुद से खोल सकते हैं, फिर खुद से लगा सकते हैं. ग्लू पेस्टिंग में क्या है कि एक बार हम लोग उसको सेट कर दिए वो सेट ही रहेगा, उसमें आपको कुछ भी करने का जरूरत नहीं. उसको आप पहन के ही नहाएंगे, पहन के ही सोएंगे, कुछ भी निकाले, कोई झंझट नहीं है. बस एक बार सर्विस लेना पड़ता है. सर्विस लेना पड़ता है, उसके लिए चार्जेस वगैरह? उसके चार्जेस होते हैं, सर्विस चार्ज 800 है. ग्लू पेस्टिंग का क्या चार्जेस? ग्लू पेस्टिंग प्रोसेस का फर्स्ट टाइम कोई चार्ज नहीं है. फर्स्ट टाइम आप जो पैच पसंद करेंगे, जो क्वालिटी okay. क्या क्या पैचेस है आप दिखा सकोगे? हाँ, दिखा. इस तरह अच्छा. के पैच आते हैं. ये मतलब आपका क्वालिटी के ऊपर प्राइस डिपेंड करता है. ये सारे ओरिजिनल बाल है? ये ओरिजिनल हेयर है. ओके. इसका आप जो हेयर स्टाइल बोलते हैं वो कटिंग होगा इस पे. तो अच्छा, शुरू में ये लंबा बाल है, फिर इसे सेट करने के बाद हेयर कट किया जाएगा. हाँ, जो अलग अलग लोगों के अलग अलग हेयर स्टाइल. प्राइसिंग वगैरह थोड़ा हमें बता दो, आइडिया हो जाए तो. सर यहाँ पे 10,000 से स्टार्ट है. ठीक है, 10,000 से स्टार्ट है, 10,000 से लेके मैक्सिमम 25,000 तक का पैच है. वो किसके ऊपर डिपेंड करता है एक्चुअली ये प्राइस? वो हेयर का जो कंपनी है वो है, हेयर की जो क्वालिटी है, ठीक है, उसके ऊपर डिपेंड करता है, हेयर की जो स्मूथनेस वगैरह होती है उस पर डिपेंड करता है. दिस इज गाइस हाउ एम आई लुकिंग. यहाँ पे एक ये था क्या, हेयर वीविंग, हेयर विग्स, एक्सटेंशन, पैचेस, बॉन्डिंग, पेस्टिंग, ये सारे अलग अलग इसके यूज है क्या? ये पैच प्रोडक्ट है, ठीक है. अच्छा. उस पे वो सिस्टम है, जैसे कि क्लिप सिस्टम मैंने बताया, फिर ग्लू पेस्टिंग होते हैं, और जो वीविंग होती है वो क्या होता है, वो उसको सिल के बैठाया जाता है. आपके जो ओरिजिनल हेयर है उसके साथ में पैच को सिल के उसको सेट किया जाता है, वो एक प्रोसेस है, हेयर वीविंग जिसको बोलते हैं. ठीक, थैंक्स. देखिए सर,
ये सारा भी अलग अलग मतलब कंपनी हाँ क्वालिटी अलग है लेकिन अच्छा। वो मोनोफिलामेंट ही है ओके ठीक है मोनोफिलामेंट मतलब मीन्स ये पैच का जो टाइप्स होते हैं ना अच्छा। वो और ये जैसे फ्रंटलेस है फ्रंटलेस का क्या होता है कि सामने में इसके नेट होते हैं अच्छा ये नेट कटिंग हो जाता है नेट कटिंग होने के बाद जैसे ये स्किन कलर है कौन सा जैसे ये नेट है ये नेट कटिंग हो जाता है नेट कटिंग होने के बाद में जैसे कि बहुत सारे जो लोग होते हैं बैक हेयर स्टाइल करते हैं तो बैक में क्या होता है सामने एकदम क्लियर रहता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती पता भी नहीं चलता बैक पूरा हेयर बैक कर लेने से भी पता नहीं चलता कि पैच लगा हुआ है अच्छा जैसे ब्रशअप ये ऐसे पीछे से की है तो यहाँ पे वो पता नहीं चलेगा हाँ, यहाँ पे पता नहीं चलेगा ये स्किन कलर जो होगी आपका अच्छा मैच हो जाएगा वो मैच हो जाएगा इसलिए ये फ्रंटलेस बाकी तो डबल पैच है बाकी ये मोनोफिलामेंट पैच है जो बाकी जो हमारे पास में जो भी कंपनी की पैच है इसी ये सब यहाँ पे बैक ब्रश नहीं कर सकते मतलब पता चलेगा हाँ, ये यहाँ पे थोड़ा सामने आपको साइड में थोड़ा नीचे थोड़ा रखना पड़ेगा ठीक है कर सकते हैं वो लुक के वाइज है ठीक है हाँ वो लुक वाइज है जैसे कि ज्यादातर लोग जैसे बोलते हैं पूरा पीछे बैक हेयर करेंगे तो उनके लिए फ्रंटलेस बहुत अच्छा पैच है लेडीज के लिए कुछ चाहिए तो हम लोग के यहाँ पे लेडीज विग है ठीक है फिर लेडीज पैच है हेयर पैच वो आपका ओरिजिनल हेयर है दिखा दो हाँ जैसे ये लेडीज विग है ये आपका ओरिजिनल हेयर ही है इसमें आपका ये वॉश टच करके पता चलेगा मतलब कोई भी अगर दोस्त वगैरह रिलेटिव रिश्तेदार हो तो उसको डिफाइन नहीं कर सकते कि ये नकल है कि असली है क्योंकि बाल तो असली है टच भी करने से फील ओरिजिनल का ही आता है क्या प्राइसिंग है ये फीमेल का फीमेल का जैसे इंपोर्टेड पैच जो होते हैं इंपोर्टेड अगर पैच है विग है तो आपका 15,000 पड़ता है और अगर इंडियन हेयर विग है तो वो 10,000 आता है इसका प्राइस और ये हेयर पैच है ये विग नहीं है ये मेरे बाल है जिसको टच मत करना लास्ट वाला ले लिया था तुम और ये लेडीज पैच है इसमें भी लुक पूरा ओरिजिनल आता है ये पूरा सिल्की है इसमें इसे भी ट्राई कर लो अच्छा ये स्ट्रेट हेयर्स हो गए ये थोड़ा सा रिबाउंडिंग हो गया वो विग हो गए अच्छा। विग क्या होता है कि वो पूरा आपके पीछे तक टोपी की तरह कैप की तरह कवर करता है अच्छा तो वो कैप की तरह होता है विग और पैच क्या होता है वो जितने एरिया खाली होता है उतने एरिया में उसको एडजस्ट करता है ओके ओके इसे भी ट्राई करना है क्या ये भी एक बार देख लो ट्राई मेरे पास सब कुछ सूट करता नहीं हाँ हाँ बस खाली शेप करवा लेना नहीं ये फैशन में चल रहा है भाई यहाँ पर आके हमें पता चला जो यहाँ पर तीन तरह के मेथड से ऊपर में जो है बाल लगाए जाते हैं एक है हेयर वेविंग जो कि मतलब एक तरह का सिला जाता है बाल को ऊपर से और एक है गाइस हेयर पैचिंग जो कि क्लिप के थ्रू से मैं आपको दिखाता हूँ क्लिप है जी। जो ईजिली लग जाता है और फिर ये इजीली रिमूव हो जाता है और एक होता है गाइस हेयर ग्लू पेस्टिंग जो अंकल अभी करवाने वाले हैं जो कि मैं हाँ जो अभी का लेटेस्ट है जो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरह से हो रहा है मेरे अंकल का तो वो गाइस मैं आपको दिखाता हूँ और प्राइसिंग वगैरह जो है सबका अलग अलग प्राइस है बट डिपेंड करता है कि ये जो हेयर है ये एक्चुअली में हेयर है गाइस कोई भी प्लास्टिक मटेरियल नहीं है ये रियल हेयर है ह्यूमन हेयर है तो इस हेयर की क्वालिटी के ऊपर प्राइसिंग वगैरह डिसाइड होता है फिर भी इन जनरल 9 to 25,000 के रेंज में आता है तो हम लोग जो करवाने वाले हैं उसका रेट गाइस मैं आपको इस वीडियो के एंड में बताता हूँ फिलहाल मैं आपको स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस बताता हूँ कि किस तरह से ये काम हो रहा है कोरियन पैच कोरियन पैच तो ये अंकल में मेरे अंकल पे ये लगेगा हाँ यही लगेगा अच्छा और इसको काटिंग होगा बॉन्डिंग सिस्टम होगा इसको अच्छा ये तो ग्लू पेस्टिंग होगा ग्लू पेस्टिंग होगा सर
जैसे कि आप देख रहे हो मेरे अंकल का लुक जो है बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, उम्र काफी घट चुका है। सो ये लगभग कितना टाइम लगा हम लोगों को? मैक्स टू मैक्स आई थिंक एक से डेढ़ घंटे के बाद पूरा अंकल का लुक जो है टोटली चेंज हो गया। मैंने आपको वीडियो दिखाया जो, उससे बिल्कुल ही समझ में नहीं आ रहा है कि ये ऊपर से कुछ ब्लू पैचिंग या रिलेटेड कुछ है। अब जो बातें गई मुझे पता चली, सबसे पहले जब तक अंकल का शूट हो रहा था तो मैं उधर पेमेंट वगैरह का बात किया, तो इनका जो टोटल अभी कॉस्टिंग आया वो 9,600 रुपीज़। मुझे कुछ बातें गई उन लोगों ने बोला कि ये नॉर्मल यूज़ कर सकते हैं, लाइक बाल में शैम्पू एंड कंडीशनर यूज़ करना होगा और एक मोटा कॉम यूज़ करना होगा, लाइक दिस टाइप ऑफ कॉम यू कैन यूज़। और साथ ही साथ गाइस ये अंकल अभी चाहे तो स्विमिंग भी कर सकते हैं और नहाने का नहा तो सकते हैं डेली, बट बाल में पानी हफ्ते में दो बार यूज़ करने को बोला। सो गाइस ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। इस तरह का लेटेस्ट नया यूनिक कुछ अलग वीडियो देखने के लिए इस चैनल पे आए हो तो गाइस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को भी लाइक कर दो। गाइस मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।